हेलो दोस्तों, स्वाद लाजवाब में आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और चटपटे आलू के समोसे। बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन समोसे बनाते समय हम बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आपके समोसे बिल्कुल मार्केट जैसे हलवाइयों की तरीके के बनेंगे। तो इसलिए आप मेरी रेसिपी को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। बीच बीच में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको आप मिस ना करें। और दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही चटपटे यूपी के फेमस समोसे। समोसे बनाने के लिए मैंने 2.5 कप मैदा ली है। इसमें डालेंगे नमक और अजवाइन। अजवाइन को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन डालते समय आप क्रश जरूर करें ताकि खुशबू अच्छी सी आ सके। और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब मोइन के लिए हम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। 1/3 कप मोइन डाल रहे हैं हम, और मैदा में से पूरी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि पूरी मैदा में ये हमारा जो ऑयल है वो मिक्स हो जाए। मिक्स हो चुका है, देखिए मुट्ठी की तरह से बन गया है, इसका मतलब हमारा मोइन बिल्कुल ठीक है। अब हम इसका एक अच्छा सा डो बनाएंगे। सख्त सा डो बनाना है, इसके लिए हम पानी का यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है। जब हम डो बना रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा ये सख्त होना चाहिए। देखिए डो हमारा बनके तैयार हो गया है। इसको हम ढक करके आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। डो को मारने में 3/4 कप पानी लगा था। मैंने आलू लिए हैं फिलिंग के लिए, जो कि बॉईल कर लिए हैं। अब इसको हम फोड़ लेंगे। याद रखें कि इसे चाकू से ना काटें, हाथों से अच्छी तरह से फोड़ लें। बहुत ज़्यादा एकदम मैश भी नहीं करना है। अब नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च 1 चम्मच, ये भी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 3/4 चम्मच गरम मसाला। मसाले को भूनने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, और इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और जीरा, हींग, इसे भूनने देंगे। जीरा हमारा भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अदरक, ये भी बारीक कटा हुआ, और एक बार भून लेंगे इसको हम। और जो मसाला था इसमें आलू के अंदर जो हमने सारे मसाले डाले हैं उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छी तरीके से भूनेंगे इसे हम। हमें तब तक भूनना है जब तक कि एक बढ़िया सी खुशबू ना आ जाए। आलू की पिट्ठी को अच्छा सा भूनने का पर्पज़ ये है कि हमारा मॉइस्चर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे समोसे अक्सर देखें कि पपड़ी उसकी नरम हो जाती है। वो कारण होता है कि हमारा आलू या जो भी हम चीज़ें डाल रहे हैं वो हमने अच्छी तरह से भूना नहीं है। इसमें हमने हरा धनिया भी डाल दिया है, और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। आप इसमें मटर के समोसे भी खाना चाहते हैं तो आलू में मटर भी मिक्स कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। जो हमारी पिट्ठी थी, हमारी जो फिलिंग है, उसको मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमारा आटा भी रेस्ट कर चुका है। इसको हम एक बार और 2 मिनट तक लगभग आटे को एक सा करेंगे ताकि वो चिकना हो जाए। देखा है आपने मेरा आटा कितना अच्छा मड़ा हुआ है, बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आपने मारना है। और हम छोटी छोटी लोइयां निकाल लेते हैं, जिस भी साइज़ के आपको चाहिए समोसे उसके अकॉर्डिंग, और हम पेड़े बना लेंगे इनके। हमारे सारे समोसे के पेड़े तैयार हो चुके हैं। इनको अब हम बेलेंगे, बिल्कुल वैसे ही बेलना है जैसे आप रोटी या पराठे के लिए बेलते हैं। साइड्स का ध्यान रखें, मोटे ना रहें बिल्कुल भी। यदि आपका आटा अच्छा होगा तो बहुत अच्छे बेलेंगे। इसके हम 2 पार्ट कर देंगे, क्योंकि एक लोई में 2 समोसे बनते हैं, तो इसीलिए हमने 2 चाकू की सहायता से इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। इसी तरीके से हम सारे बेल लेंगे। ये हमारे बेल गए हैं और कट करके रख लिया है। अब हमने एक उठाई है,
और हमने ऊपर के हिस्से पे पानी लगाया है ताकि ये चिपक जाए। इस तरीके से फोल्ड करके हम इसे अच्छी तरीके से चिपका देंगे ताकि एक बहुत अच्छी सी शेप बन जाए। अब जो आलू है वो हमारा ठंडा हो चुका है। ध्यान रखें, आलू ठंडा रहना चाहिए। गर्म आलू होगा तो आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। और ये हमने आलू भर दिया है और ये जो जॉइंट है उसको हम सेंटर में रखेंगे और पानी की हेल्प से इसको हम अच्छी तरीके से आपस में बाइंड कर देंगे। अच्छी तरीके से दबा दिया है हमने ताकि ये खुले नहीं। हो गया ना हमारा बनके तैयार समोसा। एक और मैं बना करके आपको ढंग से दिखाती हूँ। मैंने पानी लगाया है इसके ऊपर के सिरे पर और इस तरीके से फोल्ड किया है, अच्छी तरीके से प्रेस करके दबाया है। और जो फिलिंग वाला आलू है मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से समोसे की शेप में बाइंड कर दिया है। आपकी यदि पिट्ठी ठंडी है, आपका आटा अच्छा मड़ा हुआ है तो आपके सारे समोसे बहुत ही अच्छे बनेंगे। मेरे सारे समोसे बनके तलने से पहले बनके तैयार हो चुके हैं। देखिए ये 24 के लगभग मेरे समोसे बने हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने बड़े साइज़ का समोसा चाहिए। ऑयल रख दिया है गैस पर और ये गर्म हो गया है, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ऑयल हमारा बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। ध्यान रखें, यदि तेज होगा तो बुलबुले से बन जाएंगे समोसे के ऊपर और बाहर से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ऑयल का विशेष ध्यान रखें। चेक करने के लिए हमने डाला था तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो बहुत ही आराम से ऊपर आया था, एकदम ऊपर नहीं आया था वो टुकड़ा। जब एक तरफ से सिक जाएँ तो बड़े आराम से आप इसे चेंज कर दीजिए, पलट दीजिए। गैस हमारी स्लो है, बहुत ही स्लो गैस पर हमको सेकने हैं तो बहुत अच्छे क्रिस्पी समोसे तैयार होंगे हमारे। बहुत ज़्यादा पलटना भी नहीं है बार बार। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। दूसरी बार डालने से पहले भी देख लें कि आपका तेल बहुत तेज़ गर्म ना हो, वरना गैस को 2 मिनट के लिए बंद कर दें, फिर उसके बाद गैस ऑन करें और स्लो गैस पर दोबारा से समोसे डाल दें। हमें बहुत ध्यान रखना है, हमारी गैस तेज़ नहीं रहेगी, बहुत स्लो गैस पर हम सेकेंगे तो जो क्रिस्पीनेस है बहुत ही अच्छी आएगी, कलर बहुत अच्छा आएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। लीजिए, बनके तैयार हो गए हमारे चटपटे क्रिस्पी यूपी के फेमस समोसे और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली रेसिपी तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।